हाय एवरीबॉडी, मैं हूँ अंतरा. मैं हूँ अंकिता एंड एंड वी वी आर आर द द नंदी नंदी सिस्टर्स. सिस्टर्स. कुछ और बोलने से पहले वी सिंसियरली होप कि हमारे जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सब सुरक्षित हैं, सेफ हैं, आपके घर वाले सब सेफ हैं. क्योंकि अभी जो हो रहा है, सच कहूँ तो डर लगने लगा है. पहले सिर्फ ये अभी हम जो फेस कर रहे हैं, वी फेस्ड दिस बिफोर. एक एक साल साल हो पहले गया है. हमने देखा है, बट दिस टाइम इज़ जस्ट वर्स. पहले हमने देखा है जस्ट नंबर्स एंड फिगर्स जो हम लोग टीवी पे देखते थे, न्यूज़ पे देखते थे, आसपास वालों को नहीं हो रहा था. हाँ, अभी बट अभी जैसे वी नो द नेम्स ऑफ द पीपल, मतलब हमारे क्लोज सर्कल में हो रहा है, ऐसा लग नो रहा है देम ना कि पर्सनली. पहले यहाँ था कोविड, अब ऐसे ऐसे धीरे धीरे हमारे आसपास आ रहा है. तो दुख होता है जब ऐसे लोगों के नाम सुनाई देते हैं जिनको वो हम पहचानते हैं, जानते हैं, जिन पीपल हु वी केयर अबाउट. एक्चुअली डर लगता है. डर तो बहुत ज़्यादा लगता है, बट डर के फायदा तो नहीं है. तो डरना नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है, मनोबल नहीं लूज़ करना है, बट इसका डट के सामना करना है हमें. और अपने हाथों में हमारा जो है मास्क पहनना, सैनिटाइज सैनिटाइजर यूज़ करना. करना. ये वीडियो देख के आप में से जितने लोग कमेंट करने वाले हैं कि आपने मास्क नहीं पहना, हम हम घर के पे अंदर रहते हैं. सो डोंट वरी. और हम हर घंटे में हम कुछ और बाहर अगर गलती से भी छू के आ जाते हैं, पहली बात तो हम आते ही वॉशरूम घुस के नहा लेते हैं, हाथ धो लेते हैं. वी आर वॉशिंग आर हैंड, सैनिटाइजिंग. वी आर वेरी वेरी कॉशियस एंड वी होप आप सब भी जितना हमारे हाथ में है उतना हम करें. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आप घर से ही मत निकले, ना निकले अभी. द सेफेस्ट एग्जैक्टली, प्लीज डोंट लीव योर होम्स. लेट्स ऑल बी वेरी सेंसिबल एंड लेट्स बी वेरी कॉशियस. आज हमने सोचा हम आके आपसे कुछ बातें करते हैं. देखिए, हमारा हमेशा से मोटिव यही रहा है कि हम पॉजिटिविटी फैलाएं, एंड एज म्यूजिशियंस वी ट्राई टू डू दैट थ्रू आर म्यूजिक. इसलिए बैल्कनी कॉन्सर्ट तो होते रहेगा, पर आज हम कुछ स्पेशल आपके साथ शेयर करने आए हैं. एक्चुअली हम पिछले 2 महीने से आसाम गए हुए थे, तो घर बंद पड़ा था. हम जब आए, घर बेहद गंदा हो रखा था, तो हम आते ही सफाई में लग गए. सफाई करते करते हमारे हाथ में कुछ ऐसा लगा कि मतलब हम दोनों बैठ गए बस उसे लेके. तो आज हमने सोचा आपको वो चीजें दिखाएं जो कि बहुत ही ज्यादा स्पेशल है. हंसिएगा मत, मजाक मत उड़ाइएगा, बिकॉज टुडे वी गोना शो यू सम ऑफ आवर टॉयज. टॉयज बोलते ही आप सब बहुत बड़े, बहुत एक्सपेंसिव, अमेजिंग लुकिंग टॉयज मत एक्सपेक्ट करिएगा, क्योंकि हमारे वैसे टॉयज थे बट हम जब हम लोग कोलकाता से पुणे शिफ्ट हो रहे थे, उस वक्त हमने वो सारे मेजॉरिटी ऑफ द टॉयज हमने डोनेट कर दिया था. बट उनमें से कुछ ऐसे टॉयज थे जो हम नहीं देना चाहते थे. जितने टॉयज हमने बचाए हैं ना, बहुत ही कम टॉयज हमने बचाए हैं, और वो सारे बहुत ही अजीब और गरीब, बेहद अजीब बेहद गरीब टॉयज बचाए हैं, बट बहुत स्पेशल हैं. तो उनके पीछे की कहानी हम आज आपको बताने वाले हैं. सो द फर्स्ट टॉय और टॉयज आर दीज, लालू पीलू एंड नीलू. तो एक्चुअली ये हमने इसलिए प्रिजर्व करके रखा है बिकॉज मेरे बहन का कहना है कि मैं बचपन में इन तीनों जैसी दिखती थी. बिल्कुल. अरे हमारे पास, मुझे फोटो भी याद आ रही है इसकी, है टब में बैठी हुई, बिल्कुल ऐसी लग रही, एकदम सेम टू सेम, गोलू सी, टबलू सी, छोटू सी. देखो मैंने आपका तो बचपन देखा नहीं है ना, मतलब मैं तो आपके बाद ही जन्मी हूँ ना, बट आई एम प्रीटी श्योर एवरीबडी वॉचिंग दिस सेज कि हम दोनों सेम दिखते हैं. तो आई एम प्रीटी श्योर बचपन में भी हम लोग ऐसे ही गोलू से, टकलू से दिखते थे. चलो मान लिया, ऐसे ही दिखते थे. अब ये अजीबो गरीब, बेहद गरीब, बेहद टूटा फूटा गाड़ी, चाबी से चलने वाला, ये मेरे बचपन का खिलौना है. इसके पीछे की कहानी मैं बताती हूँ. मैं शायद 1 साल की थी 1.5 साल की थी. मम्मी पापा मुझे एक बहुत बड़े से टॉय शॉप लेके गए और बोला, उन्होंने बोला कि जो मर्जी, जस्ट चूज अ टॉय और विल बाय इट फॉर यू. उन्होंने एक्सपेक्ट किया था मैं कुछ अच्छा सा, फैंसी सा, बड़ा सा चूज करूंगी. वो बैठ के चलाने वाला, बच्चों का बैटरी ऑपरेटेड गाड़ी आता है ना, वो भी था. सो दे वर एक्सपेक्टिंग कि मैं जाके उससे चूज करूँ, बट पूरा शॉप घूम के मैंने ये उठाया. एंड दे वर शॉक्ड, लाइक ये क्या उठा रही है बच्ची. बट आई थिंक मैंने ये इसीलिए उठाया था क्योंकि ये जो सिंबल है शेल, मैंने इससे रिलेट किया. उस समय पापा वॉज वर्किंग फॉर शेल, तो मैंने शायद ये सिंबल घर में कहीं देखा होगा, तो उससे शायद कोरिलेट कर लिया होगा. एंड आई चोज दिस, एंड आई यूज टू प्ले विद दिस ऑल डे लॉन्ग, एंड पापा यूज टू बी सो हैप्पी. नाउ द नेक्स्ट टॉय इज माइन.
ओ माय गॉड ये तो अभी म्यूजियम पीस बन चुका है, इसे सच में म्यूजियम में रखना चाहिए. दिस इज तितली. तितली इज आई थिंक अंकिता's मोस्ट स्पेशल टॉय. या आई हैव प्लेड विद तितली ऑल मोस्ट ऑफ माय चाइल्डहुड एक्चुअली. आप इसका हालत देखिए, बस मतलब बस देखिए इसका हालत देख के आप अनुमान लगा सकते हैं अंकिता किस किस्म की बच्ची थी. बेहद शांत. मैं बहुत अच्छी बच्ची थी प्लीज. हाँ दिख रहा है. बहुत ही शांत, बहुत ही सुशील, प्यारी बच्ची थी जिसने इनका नाक तो नहीं नोचा और बिब भी नहीं खाया है इन्होंने. मैंने खाया नहीं था यार, मतलब बिचारी के साथ क्या किया यार. हाथ देखो, इसमें कुछ बचा ही नहीं है. तितली के साथ मैं लिटरली खाती थी, सोती थी, खेलती थी, कभी टीचर बन गई, कभी मम्मी बन गई. हर जगह तितली को लेके जाती थी अंकिता. हाँ. छोड़ती नहीं थी. और इसके तो आई थिंक अंदर में जो स्टफिंग है सब निकल चुका था, बट मम्मी ने somehow इसे पैक वैक करके बचा के रखा है somehow. By the way, हाँ, सोनू और तितली सेम टाइम के हैं. सोनू को देखिए, तितली को देखिए. अभी आप अनुमान लगाइए कौन कैसा बच्चा था. मतलब कोई बच्चा अगर उसके पास खिलौना होता तो वो खेलता है ना. ये तो क्या कर दी थी यार. मैं बहुत शांत थी. मुझे बस खिलौना देके बैठा दो, मैं उसको लेके से बैठी ही रहूंगी. गाना चला दो बस. मुझे बस गाने से मतलब था, खाने से मतलब था, सोने से मतलब बस. वी आर गोइंग टू मूव टू, डू यू वांट टू शो वन ऑफ योर टॉयज? नो नो, माय टॉय. ओके, ये इनका नाम है प्लूटो. तो मैं जब छोटी थी, हमारे घर पे दो जर्मन शेपर्ड डॉग्स थे, बिग डॉग्स, वीनस एंड जुपिटर. तो वो मुझसे संभलते नहीं थे, वो ह्यूज राइट, एंड आई वॉज क्वाइट टाइनी. तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरे साइज का एक डॉगी चाहिए मुझे. तो टॉय शॉप से मैंने ये डॉगी उठाया था एंड मैं इसे आइडियलाइज करती थी. मैंने इसको, आई गेव इट अ नेम प्लूटो. एंड आई यूज टू ऑलवेज थिंक व्हेन आई हैव अ डॉग आई वॉन्ट अ स्मॉल डॉग. सो व्हेन वी एक्चुअली गॉट प्लूटो, प्लूटो वॉज अ लासा एप्सो. प्लूटो वॉज अ लासा एप्सो एंड प्लूटो वॉज अ लिटिल डॉग. And we named Pluto after this toy. Oh, this is Pluto 101. Oh, 1.0. Yep. Next toy is this. Actually, I had, after Titli, I also had one more doll. जिसका पता नहीं बाल वाल नोच के उसका कुछ ज्यादा ही खराब हालत हो गया था. बेटा आपको बचपन में इतना गुस्सा किस पे आता था? बेचारे डॉल्स पे गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन. द थिंग इज मैं हमेशा से बहुत अग्रेसिव रही हूँ. एक्चुअली इफ यू रिमेम्बर, मैंने डॉल से ज्यादा कार्स के साथ खेलती थी. आई वॉज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स कार्स एंड ऑल, हॉट व्हील्स, गाड़ी वगैरह. मुझे बहुत अच्छा लगता था उन सबसे खेलना. तो वो सब अग्रेशन ना पता नहीं ये बेचारे डॉल्स पर निकलता ना मेरा. तो वो डॉल, उस डॉल का हालत खराब करने के बाद मम्मी को खुद, मैडम खुद ही उदास हो गई कि अरे मैंने क्या कर दिया. फिर मम्मी को ना थोड़ा सा मतलब दया आ गया मुझ पर कि नहीं 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 बेचारी को एक और स्वीटी 2.0 चाहिए होगा अभी. तो ये है मेरा स्वीटी 2.0. जब नानी हमारे साथ रहती थी, कोलकाता में बीच में आई थी हमारे साथ रहने के लिए, उस वक्त नानी टॉट मी टू निट. उस वक्त आई निटेड अ शॉर्ट्स फॉर हर. शी इज स्टिल वेयरिंग इट आई गेस. या शी इज स्टिल वेयरिंग इट. और मुझे याद है एक महीने बैठ के तुमने निट किया था छोटे से शॉर्ट्स को. एंड पता नहीं मैं कुछ ना कुछ गलती करती थी, नानी यूज्ड टू बी लाइक क्या गधी जैसे गलती कर रही है. एंड देन शी यूज्ड टू यू नो फिक्स द मिस्टेक. एंड इसलिए एक महीना लगा मुझे ये छोटा सा शॉर्ट्स बनाने में. बट आई एम वेरी प्राउड. आई एम प्राउड ऑफ यू. एंड दिस इज एक्चुअली अ टॉय. इस चीज से आप में से बहुत लोग कनेक्ट शायद करेंगे. इसकी मेमोरी मुझे बहुत कम है, नहीं है एक्चुअली. बट मम्मी पापा ने बोला है मुझे कि मैं जब छोटी थी ये इस झुनझुना को बजाने से मैं चुप हो जाती थी, रोती नहीं थी. सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ माई इनिशियल टॉयज. एंड आई थिंक दिस इज द थिंग विच मार्क्ड योर फर्स्ट स्टेप और इंटरेस्ट टुवर्ड्स म्यूजिक, क्योंकि दिस इज ऑल्सो म्यूजिक. ओह डैम डीप. एंड नाउ देयर आर एक्चुअली टू वेरी 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 स्पेशल टॉयज. This teddy and this, ये दो एक्चुअली मम्मा ने निट किया है, मम्मा का बनाया हुआ टॉयज है. यू कैन सी हाउ क्यूट दे आर. वन वॉज द कैंगरू वॉज फॉर मी एंड द टेडी वॉज फॉर अंकिता. एंड दे आर सो वेल मेड. ऐसे देख के लगता है यार मम्मी इतना टैलेंट, हम लोग को टैलेंट. मतलब ऐसा लगता है कि कहीं से रेडीमेड खरीद के लाए. हाँ देखिए, टू प्यारा ना.
इसलिए हमने इन दोनों को बचा के रख लिया है बिकॉज दे आर रियली रियली प्रेशियस. एंड दैट्स अबाउट इट. दीज आर आर मोस्ट स्पेशल टॉयज. और आज हमने आपके साथ ये शेयर करने का मोटिव यही था कि यू नो लेट्स फाइंड लिटिल रीजंस टू बी हैप्पी घर में. एंड हम चाहते हैं कि आपके भी ऐसे कुछ किस्से होंगे, कहानियाँ होंगी जो आपको कभी याद आती होंगी, तो यू नो दे प्रॉब्ली ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेसेस. सो प्लीज गो अहेड एंड शेयर दोज लिटिल स्टोरीज विद अस. हमारे फेसबुक में आप कमेंट्स में आपके पिक्चर्स, आपके बचपन के खिलौने हो, फोटो एल्बम के पिक्चर्स हो, वो सब शेयर करके आपकी कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. एंड YouTube पे भी यू कैन शेयर वाया कमेंट्स. एंड ऑन इंस्टाग्राम यू कैन DM अस और यू कैन पोस्ट पिक्चर्स एंड वीडियोज ऑन योर सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड टैग अस. We would love to know what makes you happy, what makes you nostalgic, what made you smile today. So let's be positive. We will get through this and we will keep sharing some or the other fun bits of our lives every now and then whenever we come across. Tab tak, stay tuned to our social media. Most importantly, stay safe, maintain social distancing, sanitize, wear a mask and stay positive. Ho sake jitna possible ho, stay home. Stay home, stay positive, and don't lose hope. And we will keep entertaining you. This is Antara. This is Ankita. Signing off.